हरे कृष्णा। आज हम आपको एक और कहानी बताएंगे और ये कहानी एक मंत्री का है जो कि एक राजा के दरबार में सेवा करते थे। तो ये मंत्री जो हैं ये ऐसे तो बहुत ही गरीब घर से थे, बहुत ही पिछड़े हुए बैकग्राउंड से आए थे गांव से, और जब शहर में आए धीरे धीरे कार्य करते करते वे राजा के महल में नौकरी करने लगे और उसके बाद प्रमोशंस मिलता गया और एक दिन अपने सदाचरण के कारण राजा ने उन्हें अपना प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो इस बात से बाकी सभी मंत्रियों को जलन होने लगा, बाकी सभी जो पुराने मंत्रियां थे उन्हें लगा कि ये नया व्यक्ति हमारे बाद आया है और हमसे भी आगे निकल गया और हमें इनकी बात सुननी पड़ेगी। तो पीछे जितने भी बाकी मंत्रियां थे उन सभी ने गोष्ठी इकट्ठा की और चर्चाएं शुरू किए कि इस नए मंत्री को कैसे हम दोषी ठहराएं, कैसे इसको गलत साबित करें और राजा के दरबार से निकाल दिया जाए। बाकी सारे मंत्रियां मिलके उस प्रधानमंत्री पर कड़ी नज़र रखने लगे और कहीं ना कहीं कुछ गलती ढूंढने का प्रयास किए। एक महीने के बाद जासूसों से पता लगा कि ये जो मुख्यमंत्री हैं ये हर रोज़ शाम को जब घर जाते हैं तो सारे दरवाजे खिड़कियां और पर्दों को बंद करते हैं और लगभग आधे घंटे के लिए एक खुफिया तिजोरी है जिसको वे खोल के उसमें कुछ देखते हैं, कुछ डालते हैं हर रोज़। तो बाकी सारे मंत्रियों को ये अच्छा मौका मिल गया, महाराज के पास जाके ये निवेदन किया कि महाराज आप तो इनको बहुत विश्वास करते हैं अपने मुख्यमंत्री को, लेकिन हमने ढूंढ निकाला है आपके मुख्यमंत्री एक नंबर के चोर हैं, वो आपके सोना चुराते हैं आपके महल से और हर रोज शाम को अपने घर में एक तिजोरी में ये सारा छिपा देते हैं। तो राजा को भरोसा नहीं हुआ बाकी मंत्रियों का और उन्होंने मंत्रियों से पूछा क्या सबूत है इसका, क्या आप मुझे कुछ ठोस सबूत दिखा सकते हो। मंत्रियों ने बोला जी महाराज आप साथ चलिए, हम सभी मिलके मुख्यमंत्री के घर जाके खुद ही देखेंगे अपनी आंखों से। तो शाम के समय मुख्यमंत्री के घर पहुंचने से पहले ही राजा और बाकी सारे मंत्रियां उस घर के आसपास छिप गए और उन्होंने ध्यान से देखा। जब मुख्यमंत्री वापस घर लौटे उन्होंने सारे दरवाजे खिड़कियां और पर्दों को बंद किया और उसी समय राजा जो है अपने सेना के साथ अपने सैनिकों के साथ खटखटाया दरवाजा, मुख्यमंत्री मैं राजा बोल रहा हूँ दरवाज़ा खोलो अभी इसी वक्त। तो मुख्यमंत्री थोड़े हिचकिचाए, महाराज मैं थोड़ी देर बाद खोलता हूँ अभी मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। तो महाराज ने बोला अभी खोलो तुरंत नहीं तो तुमको मैं गिरफ्तार करता हूँ। तो महामंत्री डर के कारण जल्दी में दरवाज़ा खोल दिया और सभी सैनिकों ने पूरे कमरे को बंद कर दिया चारों तरफ से, कोई भाग ना सके। और राजा ने अपने महामंत्री से पूछा मैं सुना हूँ कि तुम मेरा पैसा चुराते हो और तुम्हारे घर में एक तिजोरी है जिसमें तुम मेरा सारा धन चुरा के रखते हो, कहाँ है वो तिजोरी खोल के दिखाओ। तो उस समय तक महामंत्री अपना तिजोरी खोल के ऑलरेडी देखने लग गए थे उसमें, तो राजा को भी देखने को मिला। तो राजा ने भी बड़े ध्यान से उस तिजोरी में देखा कितना सारा धन चोरी किया इसने मेरा, और जब तिजोरी में देखा तो तिजोरी खाली का खाली ही था, उसमें थे क्या फटे पुराने वस्त्र, उसमें केवल एक जोड़ी फटे पुराने मैले वस्त्र थे। तो उन्होंने अपने महामंत्री से पूछा ये क्या है, जासूसों से पता लगा कि तुम धन चोरी करके इस तिजोरी में छिपाते हो, लेकिन यहां देखने में तो ये तिजोरी में केवल फटे पुराने कपड़े हैं, कोई धन नहीं है, तो तुम रोज शाम को तिजोरी क्यों खोलते हो और वो भी बंद दरवाजे बंद खिड़कियां और बंद पर्दों के साथ, ऐसा क्या खास है। तो महामंत्री थोड़ा शर्माए और राजा को बोले महाराज मैं अपने जीवन में काफ़ी तरक्की कर चुका हूँ और मुझे एक चीज़ का भय है कि कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए। तो जीवन में जब कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है चाहे पैसे में, चाहे उसको शक्ति मिलता है, चाहे यश मिले, चाहे सामर्थ्य मिले, तो साथ साथ में उसका अहंकार भी बढ़ता है। तो ये महामंत्री बहुत ही विनम्र थे, बहुत चालाक थे,
उनको ये बात अच्छे से पता है कि अहंकार जो है पतन का कारण होता है। एक कहावत है इंग्लिश में, प्राइड प्रिसीड्स अ फॉल, गिरने से पहले अहंकार आता है। तो हमें भी अपने जीवन में सावधान रहना चाहिए, जब भी अहंकार आता है इसका मतलब हम शीघ्र ही पतन में गिरने वाले हैं, हम शीघ्र ही कुछ गलती करने वाले हैं। तो राजा ने बोला, आगे समझाओ, मुझे समझ में नहीं आया। तो मंत्री आगे समझाया, मंत्री ने बताया, महाराज मैं बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, गांव से हूँ, और मैं शहर में आया था नौकरी ढूंढने। नौकरी करते करते आपके राजमहल में नौकरी मिली और आपने मेरे को देखा, पसंद किया और धीरे धीरे मुझे अपना विश्वसनीय महामंत्री बना दिया। तो इतना बड़ा पद इतने छोटे समय में, ये तो अहंकार का पूरा पूरा मौका है, अहंकारी होने का। इसीलिए अपने अहंकार को कम रखने के लिए मैं हर रोज़ शाम को आता हूँ और अपना पुराना असलियत देखता हूँ कि मैं कहाँ से आया था, और कहीं मुझे अहंकार ना हो जाए, कहीं मैं गर्व से फूलूँ नहीं और कुछ अनर्थ ना कर दूँ। तो इस प्रकार से मैं अपने अहंकार को कम रखता हूँ। तो ये बहुत अच्छी कहानी है, इससे हमें एक सीख मिलती है कि चाहे जीवन में कितना भी बड़े बने, कितने भी आगे बढ़ें, कभी भी अपने जो गुरुजन हैं, माता पिता हैं, जो हमारे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने भी हमें मदद किया है जीवन में कहीं ना कहीं, उनके उपकारों को ना भूलें, उनसे हमेशा आदर और विनम्रता से पेश आएँ, और ख़ासकर आध्यात्मिक गुरु के प्रति, जो कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, हमारे आँखें खोलते हैं, आत्मा का ज्ञान और असलियत का ज्ञान, भगवान का ज्ञान। इसीलिए भारत में अभी भी संस्कृति है कि गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, हालांकि गुरु भगवान नहीं है, लेकिन भगवान का संदेश हमें पहुंचा रहे हैं, भगवान के जैसे ही कार्य कर रहे हैं। इसीलिए भारत में आज भी गुरु की बहुत ज़्यादा कदर और रिस्पेक्ट की जाती है। तो इस कहानी से हमें यह बहुत अमूल्य शिक्षा सीखने को मिलती है कि चाहे हम जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी आगे बढ़ें, कभी भी अपने हितेशियों को भूलें नहीं, उनका तिरस्कार ना करें, उन्हें हमेशा सम्मान दें, उचित सम्मान दें, और उनके गाइडेंस को स्वीकार करते रहें। हरे कृष्णा।